हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। सो चीकू फाइनली प्ले ग्रुप चला गया है, स्कूल चला गया है। मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, लाइक 2 आवर्स मेरे लिए एम्पल अमाउंट ही होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जल्दी से अपना ना ड्रेसिंग टेबल का क्विक टूर करवाऊंगी कि मेरी ड्रेसिंग टेबल में क्या क्या चीजें हैं, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो गई, चाहे वो लिपस्टिक कलेक्शन हो गया, चाहे वो स्किन केयर होगा, एवरीथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते, ऊपर चीकू के कुछ टॉयज रखे हैं, जब वो रात में आता था तो थोड़ा सा खेलता है उन टॉयज के साथ में। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से। तो मैं आपको ओवरऑल दिखा देती हूँ मेरी मतलब ड्रेसिंग टेबल है ना, कुछ इस तरीके से दिखती है। मुझे सॉर्ट इसको दोबारा करना है, मुझे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मंगाने हैं। नीचे जो भी रिसेंटली मतलब जो भी डेली यूज में होता है ना, वो सब रखा रहता है। कॉम हो गई सारी चीजों की, कुछ चीकू की चीजें हो गई, और ये स्मिटन का मेरा भी रिसेंटली आया था पार्सल, तो ये रखा हुआ है। तो ये ओवरऑल इस तरीके से दिखती है। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। जैसे ये जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो थोड़ा सा सेट करने के लिए मुझे रोल चाहिए होता है, टिश्यू रोल चाहिए होता है, तो मुझे ये टिश्यू रोल ये रखा हुआ है। मैंने हेयर ऑयल बनाया हुआ था वो रखा हुआ है, बॉडी मास्क रखा हुआ है, चीकू की कुछ चीजें रखी हुई हैं, और ये हेयर ड्रायर है, ये स्ट्रेटनर है, ये सीरम है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, लाइक मेरा फेवरेट है ये, बहुत अच्छा शाइन आता है। और उसके बाद में इस सेक्शन के अंदर बेसिकली मैंने विक्टोरिया सीक्रेट से बहुत सारी चीजें ली हुई थी, तो ये मैंने एक साथ रख दी, क्योंकि धीरे धीरे मतलब उस टाइम तो ये था कि हम लोग बाहर गए हुए थे, तो हम लोगों ने एक बार में सब कुछ ले लिया। जैसे ये हैंड क्रीम, ये बॉडी क्रीम है, फ्रेग्रेंस क्रीम है, ये बहुत अच्छी है, लाइक बहुत ही अच्छी है, मेरी एक तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो ये है एक ही जो विक्टोरिया, ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एक सीरीज आती चेरी ब्लॉसम वाली, मैंने पूरा पैक लिया था। इसमें शावर आया था, डिओड्रेंट मिस्ट आया था, और ये क्रीम आई थी, बहुत अच्छा है ये। ये मेरी शादी का परफ्यूम है, डेविड ऑफ वाला, मुझे पराग ने दिया था, शादी पे गिफ्ट किया था ये है। और कुछ बॉडी मिस्ट हैं, 3-4 तरीके के, अलग अलग तरीके के वो हैं इसके अंदर, तो ये सारे एक साथ मैं रखती हूँ ये वाला। नेक्स्ट आता है ये वाला सेक्शन, इसमें थोड़ा सा पराग का सामान है, थोड़ा सा मेरा, जैसे ब्रशेज हो गए, जितने भी मेकअप के ब्रश है वो हो गया, मेकअप रिमूवर हो गया, और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी जो मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करती हूँ वो वाला। ये मेरा डे स्किन केयर वाला है, और ये गलती से यहाँ पे आ गया, नीचे रखना था। ये मेरे डे स्किन केयर की चीजें हैं, लाइक जैसे सबसे पहले मैं जब मैं नहाकर आती हूँ तो मैं ये वाला सीरम लगाती हूँ लॉरेल वाले का, और उसके बाद मैं क्रीम लगाती हूँ। मुझे दिन के टाइम में जैसे जब सर्दियां थी ना तो मुझे ये बहुत सूट करती थी, तो मैं ये लगाती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं, ये सारा ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा था। कुछ कुछ चीजें फ्री आई हुई थी, जब मैंने 2-3 चीजें ऑर्डर करी थी तो उसके साथ में आई हुई थी। ये कुछ परफ्यूम्स हैं जो रियली हम लोग यूज करते हैं, ये कॉम रखा हुआ है, ये हेयर रिमूवल रखा हुआ है, यहीं पे एपिलेटर भी होगा, ये एपिलेटर है। तो ये सारा चीजें है इस वाले सेक्शन में। और मेन जो सेक्शन है ना, वो ये वाला सेक्शन है, लाइक इसमें क्या है, इसमें सारा लिपस्टिक का कलेक्शन है, आई शेडो का कलेक्शन है, काजल का हो गया, लिप लाइनर का हो गया, सारा कलेक्शन है ना बेसिकली यहीं पे रखा रहता है। और नीचे के सेक्शन में ना मेजरली क्या होता है, ये सारे नेल पेंट रखे हुए हैं, ये मेरी बिंदी रखी हुई है, और ये जो नाइट केयर जो स्किन केयर है ना वो रखा हुआ है। जैसे मैं लिनेज का मैंने ये मंगाया हुआ था रिसेंटली, मुझे यूज करते एक हफ्ता हो गया, ट्रस्ट मी मुझे ऐसा लगता था ये ओवर हाइप है, बट ओवर हाइप नहीं है, ये बहुत बहुत अच्छा है, लाइक ये बहुत इफेक्टिव है। और ये जो मैं दिन में मिस्ट लगाती हूँ वो है, और जो दिन में मैं सीरम लगाती हूँ, सॉरी रात में जो सीरम मैं लगाती हूँ ये वो सीरम है, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और आजकल मैं थोड़ा सा रेटिनॉल यूज कर रही हूँ, तो मैं डॉट एंड की रेटिनॉल क्रीम यूज कर रही हूँ, अच्छी है, लाइक वंस इन अ वीक मैं यूज करती हूँ। जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा देखने लग गए हैं, तो ऐसे ऑर्डर का मैं डार्क सर्कल वाला यूज करती हूँ, अंडर आई रिपेयर। तो ये जो नाइट का रूटीन है ना उसके लिए मैंने अलग रख रखा है, दिन वाला ये अलग रहता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा फेस वॉश और सारी चीजें, ये सनस्क्रीन है, अभी करंटली मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज करती हूँ, रियो हब का, ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सूट करता है बेसिकली, व्हाइट कास्ट का प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेजर है ना इस तरीके से सेक्शन को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अभी ना बेसिकली मुझे चाहिए, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा और सॉर्ट करना है चीजों को, लाइक मुझे यहाँ पे थोड़े से और ये हुक लगाने हैं इस तरीके के, और जो कैबिनेट लाइट होती है ना वो मुझे यहाँ पे लगानी है। तो देखते हैं मिलती है नहीं, मैं ढूंढ तो रही हूँ, बट लेट्स सी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये था मेरा सेक्शन मेजरली, बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं है, एक सिंपल सी वार्डरोब है, सिंपल सी ड्रेसिंग टेबल है जिसमें 3-4 सेक्शन बने हुए हैं। और मैं आप लोगों को आज अपना दिखाने वाली हूँ लिपस्टिक का कलेक्शन, कि मेरे पास किस किस तरीके की लिपस्टिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो मेजरली जो लिपस्टिक्स मैं यूज करती हूँ ना वो ये वाली है. मैं ये वाली लिपस्टिक बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, जो रूटीन में बहुत ज्यादा लिपस्टिक है ना, चाहे वो पार्टी वेयर हो गया, चाहे वो डेली वेयर होगा, ये सारी. और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है वो ऊपर रखी हुई थी जो मैंने आपको दिखाई थी इस जगह पे, ये वाली. इनमें से मैं रेयरली यूज करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ. तो मेरा मेजर ना ये वाला जो भी ये पूरा कलेक्शन है ना, ये मेरा फेवरेट है. इसमें मैंने कुछ हुडा ब्यूटी की है, कुछ मैक की है, कुछ बहुत बेसिक सी है, कुछ मेबेलिन की है, और बहुत अलग अलग तरीके, कुछ लॉरेल पेरिस की है, कुछ फेस कैनेडा की है, कुछ लैक्मे की है, तो इस तरीके की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेबेलिन की. मेबेलिन की मैट इंक लिपस्टिक है, और ट्रस्ट मी ये जो लिपस्टिक है ना, ये जो सीरीज आती है ना, ये इतनी इफेक्टिव है, लाइक इतनी लॉन्ग लास्टिंग है. ये ऑलमोस्ट मैं ये बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं कह रही, ये ट्रायल एंड टेस्टेड चीज है. ये जो मेरे पास दो लिपस्टिक है इस तरीके की, एक ये है और एक ये है, दो कलर की, ये दोनों भाई साहब ऑलमोस्ट 24 आवर्स आपके लिप्स पे रह जाती है. लाइक दूसरे दिन भी ना आपको मेकअप रिमूवर से हटानी पड़ती है, इनकेस अगर आप इनको ला के सो गए, आपको लगा जैसे लिपस्टिक होता है ना 6 से 7 घंटे में 8 घंटे में हट जाती है, ये नहीं हटती भाई. इसको तो आपको जबरदस्ती करके ना मेकअप रिमूवर से आपको हटाना पड़ता है, ये इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये. तो ये दो लिपस्टिक है. जब मुझे पता होता है कि मुझे बहुत देर के लिए मेकअप वेयर करना है, तब मैं ये लिपस्टिक लगाती हूँ. दूसरी लिपस्टिक है ALF की. ये है लिपस्टिक, लिक्विड मैट लिपस्टिक है. इसका कोड है पैरालाइन, और ये बहुत अच्छी है. मैं आपको इसको हिंट्स पे लगा के दिखाती हूँ. अच्छा, वो तो मैंने लगा के नहीं दिखाई, ये कुछ इस तरीके की है, ये ऐसी दिखती है. और वो जो दो तीन है ये वाली, वो कुछ इस तरीके की है. ये देखिए, तो ये तीन मैट लिपस्टिक है जो मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं लगाती, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली. नेक्स्ट हम आते हैं, ये मुझे मैंने नायका से जब बहुत सारा सामान मंगाया था तो मुझे एज अ टेस्टर ये फ्री में मिला था. ये मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाती, बट एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, जब आपको डे फंक्शन में कहीं जाना होता है या आप दिन में कहीं जा रहे हो तो तब आप इसको लगा सकते हो. ये थोड़ी अच्छी है, मतलब बहुत देर तो नहीं रहती, बट ये अच्छी. न्यूट से थोड़ा सा डार्क कलर है ब्राउन का, ये लैक्मे की है. उसके बाद नेक्स्ट आती है ये मेरी बहुत फेवरेट है, स्विस ब्यूटी की एप्रिकॉट इसका वो है शेड है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है. लाइक ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. आप इसको किसी भी लाइट कलर के न्यूट स्पेसिफिकली इसको ना जब आप न्यूट के साथ मिक्स करते हैं ना, मिक्स एंड मैच करते हैं, तो बहुत अच्छा कलर आता है. तो ये है नेक्स्ट मेरी. उसके बाद में आती है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है लाइफ में, मेजरली अगर आप कह सकते 80% मैं सिर्फ इसी लिपस्टिक को यूज करती हूँ अगर मैं कहीं पे भी जा रही हूँ दिन में स्पेसिफिकली. तो एट टाइम्स मैंने तो रात में भी इसको यूज किया हुआ है. ये है सुपर स्टे इंक क्रेयॉन मेबेलिन का. मेबेलिन का थोड़े से अच्छे मुझे लगते हैं. इसका कोड है, इसका कोड तो नहीं आ रहा, बट ये बेसिकली न्यूड, पता नहीं लिखा हुआ नहीं है शायद. हाँ, बेसिकली न्यूड लिपस्टिक है, बिल्कुल प्रॉपर जो न्यूड होता है ना, ये वो लिपस्टिक है. इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से प्रॉपर न्यूड लिपस्टिक है, और ये बहुत अच्छी लगती है. नेक्स्ट आती है MI ग्लैम का. MI ग्लैम का भी ये एक तरीके से ना न्यूड ही है, बस न्यूड में थोड़ा सा और डार्क शेड है. ये वाला MI ग्लैम का है. तो ये है, इसका मुझे नहीं पता, इसका है डेब्यूटेंट. हाँ, इसका डेब्यूटेंट इसका शेड है. ये भी अच्छी है. और जो मैंने अभी रिसेंटली शेयर करा था, क्या बोलते हैं, शॉर्ट शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कोई ऐसी, आपको समझ में नहीं आ रहा ना कौन सी न्यूड लिपस्टिक लेनी चाहिए, कौन सी कैसे आपकी स्किन पे जाएगी, तो एक ऐसी लिपस्टिक है जो ऑलमोस्ट हर स्किन टोन में बहुत अच्छी लगती है. और मतलब मुझे ऑलमोस्ट उसको यूज करते शायद 2 साल हो चुके हैं. मैं उसको 3 से 4, शायद मेरी चौथी है जो मैंने मंगाई है. मैं उसको इतना फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ. अगर इसके बाद में मैं कोई यूज करती हूँ ना, तो वो ये वाली है लैक्मे की 9 to 5. ये न्यूड लिपस्टिक है. इसका कोड है न्यूड क्यूशन, और ये बहुत अच्छी है भाई. और ये बहुत देर रहती है. इसकी सबसे अच्छी चीज ये, जैसे मेबेलिन की जो ये वाली है ना, ये बहुत ज्यादा देर नहीं रहती, बट ये बहुत ज्यादा देर रहती है. इसका शेड ये है देखिए, और ये जो प्रॉपर जो न्यूड होता है ना, लाइक कोई मिक्स एंड मैच नहीं, प्रॉपर जो न्यूड शेड होता है ना, ये वो है. इस तरीके से देखिए, ये प्रॉपर न्यूड है, तो ये बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद में इसकी मेरे पास 2 है लाइक, इसलिए ये ना, मतलब मेरे लिए तो भाई ओवर हाइप है ये वाली लिपस्टिक. नेक्स्ट आती है हमारी मेबेलिन की सेंसेशनल लिक्विड. ये भी न्यूडी है. इसका क्या है, बॉडी सूट ऑन इसका बॉडी. ये भी न्यूडी है, बट ये मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाती. लाइक पता नहीं मैं क्यों मैंने इसको लिया, मुझे ऐसा लगा था इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे नायका पे, बट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. ये शेड है ये वाला.
नेक्स्ट हम आते हैं, मैंने लिया था बॉबी ब्राउन का, उस मुझे याद है जब मैंने ये लिया था ना उस टाइम कोई शादी वादी थी, मुझे स्पेसिफिकली पिंक कलर का, रानी कलर का कोई शेड चाहिए था, तो मैंने बॉबी ब्राउन का मंगाया। ये अच्छा है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसे नहीं लगाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है। ये देखिए, मुझे ना बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक आजकल पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती मुझे, थोड़ी सी सटल कलर जो न्यूट के पैलेट्स होते हैं वो वाले, या फिर ब्राउन के जो हो गए वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, लाइक जैसे वो ब्राइडल वाला होता है ना वो लुक आने लग जाता है इसको लगा के। नेक्स्ट है फेस कैनेडा का, ये भी बहुत अच्छा है बट ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाती क्योंकि रेड कलर है, रेड ये देखिए ये इसकी कलर है, अच्छा है बट रेड कलर कौन लगाता है यार रेगुलरली इतना, मतलब लगाते हैं लोग, मैं नहीं लगाती। दूसरा है फेस कैनेडा का न्यूड वाला, ये इसका है, इसका कलर है, इसका शेड है फ्लेम ब्रांड प्लम्प और 12 है इसका कोड और ये कुछ इस तरीके का है। बेसिकली ये ना मैजेंडा कलर जो होता है ना, बर्गंडी मैजेंडा कलर, ये वो वाला कलर है, ये न्यूड नहीं है, न्यूड मेरा शायद खत्म हो गया था। यस, और जो पहले वो रेड वाला था ना, ये वाला फेस कैनेडा का, इसका था बॉम्बशेल रेड। नेक्स्ट है लैक्मे का ही है, न्यूड कलर है, मेरे पास न्यूड का बहुत ज्यादा कलेक्शन है क्योंकि मुझे न्यूड बहुत पसंद है। ये है मैटे मैल्ट मिनी, ये भी मुझे शायद कुछ ऑफर चल रहा था उसमें फ्री आई थी नायका के साथ पे। इसका शेड है न्यूड अम्ब्रेला और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये भी अच्छा है। लाइक ये जब लगाओगे ना उस टाइम आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा डार्क है बट ये थोड़ी देर में सेटल हो जाता है आपके लिप्स के ऊपर और थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ये वाला है। नेक्स्ट है मैक का है, ये मैक की मैंने फुल साइज लिपस्टिक मंगाई थी, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैक महर, ये मतलब बहुत अच्छा कलर है, एक तरह से आप कह सकते हैं न्यूट का ही शेड है और ये अच्छा है। मैं इसको आपको डिटेल अच्छे से करके दिखाती हूँ, देखिए। तो ये मैं बहुत कम लगाती हूँ, लाइक मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या कोई स्पेशल डेट है या कहीं कोई भी मतलब होता है ना कोई स्पेशल ओकेजन है तब मैं लगाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाती। ये कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैक महर। उसके बाद मैंने मैक की तीन लिपस्टिक मंगाई थी मिनी साइज की, एक तो थी रूबी वू, रूबी वू तो खैर मतलब एक होती है ना वो ओवरऑल वर्ल्ड में जो फेमस है ना वो वाली है, अच्छी है बट वही अभी आजकल मुझे वो हो रहा है कि बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती तो मैं इसको मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ, ये रूबी वू है। उसके बाद में मैंने मंगाई थी इसकी फायर्ड अप, ये भी एक तरह से ये है पिंक का कलर, जो रानी प्रॉपर जो रानी कलर होता है ना एकदम डार्क, ये वो कलर है और ये कुछ ऐसा दिखता है ये वाला। उसके बाद मैंने मंगाया था रेड का ही मंगाया था, रशियन रेड करके, ये भी बहुत फेमस लिपस्टिक का शेड है मैक का और ये कुछ ऐसा है। ये देखिए कुछ इस तरीके का है। ये तो मेरे पास मैक के थे तीन, मिनी थी और एक फुल साइज थी। उसके बाद में ये बहुत पुरानी लिपस्टिक है, लाइक कलर बार की, जब मुझे लिपस्टिक का एकदम शौक चढ़ाई चढ़ा था ना, तो मुझे असल मेरी शादी हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये वाली लिपस्टिक ट्राई करके देखते वाली। यूजुअली ऐसा होता है ना जब आपकी शादी होने वाली होती तब आप बहुत सारी चीजें हिट एंड ट्रायल करके देखते, तो उस टाइम मैंने कलर बार वाली ली थी। उस टाइम पॉकेट ऐसी होती नहीं थी कि आप बहुत एक्सपेंसिव लिपस्टिक ले लो, फिर तो जो भी आपको आपके बजट में दिखती थी वो आप ले लेते हो। सॉरी पता नहीं मैं क्यों इतना फ्लम्बल कर रही हूँ। तो ये थी कलर बार की, इसको लगाए हुए मुझे अरसा हो गया है। मुझे याद है एक टाइम पे मैं इसको इतना लगाती थी ना, जैसे मैं न्यूड वाला लगा रही हूँ ना लैक्मे का 9 to 5 वाला, वैसे इसको लगाती थी। ये बहुत अच्छा है, इसका शेड देखिए और ये बहुत अच्छा है, मतलब अभी जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे क्यों लगाना छोड़ दिया। ये देखिए ये बहुत एकदम लाइट न्यूड कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे लिप्स का कलर है ना, बेसिकली बोला जाता है ना जब आपको आपका जो भी आपका फिंगर का टिप होता है ना उसको प्रेस करके देखिए, जो कलर आ रहा है ना वो एग्जैक्टली आपके लिपस्टिक का शेड होना चाहिए, वो आपको परफेक्टली सूट करता है। तो ये कुछ इस तरीके का था, ऐसे करके देखो तो बिल्कुल ये वैसा है कि बिल्कुल जो ये कलर है ना ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला कलर है। तो पता नहीं मैंने इसे क्यों लगाना छोड़ दिया। चलो अच्छा, आप लोगों के साथ शेयर करा तो एक पुरानी यादें ताजा हो गई। उसके बाद में कलर बार पे मैंने दूसरा लिया था, अच्छा उसका शेड था, उसका कोड था बेयर 58BR, इसका कोड है रम रेजिन और ये थोड़ा सा शायद डार्क है, इसको मैंने हार्डली एक या दो बार ही लगाया है। ये मुझे थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा डार्क लगा। अच्छा मैंने इनको लगाना इसलिए छोड़ा क्योंकि मतलब 5-6 साल पहले ना मुझे मैं इतना अवेयर नहीं थी कि मैट लिपस्टिक भी आती है या क्रेयॉन लिपस्टिक भी आती है। हमें पता था कि भाई इस तरीके की लिपस्टिक आती है, हमें लगा लेते थे और होता क्या था जब आप कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो या कहीं हम डेट पे जा रहे हैं, कुछ खाया कुछ भी किया तो ये हट जाती है,
तो धीरे धीरे करके जब आपने मैंने एक्सप्लोर किया चीजें, मेकअप की सारी चीजें, तो मुझे पता चला कि मैट लिपस्टिक एक बेसिकली ऐसी है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, तब मैंने लगाना छोड़ दिए लिपस्टिक, फिर मैं मैट ही लगाती थी। फिर है ये मेबेलिन की रेड कार्पेट। एक टाइम पे मेबेलिन की लिपस्टिक है ना इतनी, जैसे रूबी रेड है ना, रूबी वू है ना मैक की, उस तरीके से मेबेलिन की लिपस्टिक हुआ करती थी। इतनी फेमस हुई थी ना जब ये आई थी, जब ये शेड आया था भाई साहब, कि हमने ले लिया, ये वाला शेड है इस तरीके से, ये वाला। और अब तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं आता भी होगा नहीं आता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर ये कलर, ये लॉरेल पेरिस की है, इस पर लिखा नहीं है इसका, एक्चुअली मिट गया है इसका कोड तो है 238, बट इसका थोड़ा सा मिट गया है। ये भी कुछ इस तरीके की है, ये भी डार्क शेड है। शादी के टाइम मैंने इसको बहुत लगाया था, उसके बाद मैंने इसको लगाना छोड़ दिया। ये शेड है इस तरीके का, थोड़ा सा डार्क है शायद, चेरी रेड कलर है इसका, और इसका कोड है 238। अच्छा, दूसरी है रसबेरी सीरप, ये भी लॉरल पेरिस की है, और ये पिंक कलर की थी, रानी कलर जो होता है ना पिंक कलर, ये वो कलर की सीरी वो थी। और ये सारी लिपस्टिक मैंने उसी टाइम ली थी, मुझे याद है शादी के टाइम में मैंने सारी लिपस्टिक ली थी, और ये अभी तक रखी हुई मेरे पास 4-5 साल में। हालांकि एक से दो साल के अंदर आपको लिपस्टिक हमेशा डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, आपको बहुत लंबे टाइम तक कोई भी लिपस्टिक यूज नहीं करनी चाहिए, आपकी स्किन के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती, उस टाइम नहीं पता था। अब ये क्या है, वो शादी की याद है ना, तो ये रखी हुई है। और ये कलर है इस तरीके का, रसबेरी सीरप, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला कलर। नेक्स्ट है ये भी लॉरल पेरिस की है, ये शायद न्यूट कलर है, ये मैंने काफी यूज की है, लाइक बहुत यूज किया है ये। और ये कुछ कुछ आप कह सकते हैं मैक महर जैसा, नहीं मैक महर जैसा तो नहीं है, बट ये ना इसकी तरह है, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, ये जो ये वाली लिपस्टिक थी ना इसकी तरह इसका कलर, ये देखिए ये इसका कलर है ये वाला। तो मेरे पास आपको ना न्यूट की बहुत सारी लिपस्टिक मिलेंगी। लास्ट जो मेरी दो लिपस्टिक है वो है हुडा ब्यूटी की, ये एक सेट था, कॉम्बो था, तो मैंने मंगाया था, बट आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या है ये, क्यों है, मतलब ये इतना अजीब था ना, मेरे तो थोड़ा समझ के बाहर था। खैर ये कुछ इस तरीके का था, शायद आपको पता नहीं दिखेगा भी नहीं दिखेगा, ये बहुत लाइट है, लाइक बहुत ज्यादा, थोड़ा सा जिनका डार्क स्किन टोन है मुझे लगता है शायद उन पे ये चीज अच्छे लगे। ये वाला है ये शेड मैट, और ये था शेड गर्ल्स एंड ट्रिप, ये है गर्ल्स एंड ट्रिप, इतनी सी मिनी साइज की हुडा ब्यूटी की मैंने मंगाई थी। नेक्स्ट जिसके साथ कॉम्बिनेशन में आई थी उसका था इंटरव्यू, इसका कोड है, और ये कुछ इस तरीके की दिखती है, तो टूटी गई मेरी, लाइक ये तो पूरी टूटी गई, मैंने ऐसे यूज करी, और ये ऑलमोस्ट है ना दोनों एक जैसे, बस एक थोड़ा सा डार्क वर्जन है, ये इस तरीके का ये इंटरव्यू वाला। तो ये था मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन, और जो वो ऊपर जो लिपस्टिक मैंने आपको दिखाई थी ना जो मैं रेयरली यूज करती हूँ, तो माई ग्लैम का ना पॉपअप से एक सीरीज आई है, न्यू सीरीज आई है, उसमें लिपस्टिक है, आई मेकअप है और बहुत सारी चीजें, तो वो मैंने मंगाई थी। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है ना, कोई टीनेज अगर गर्ल है, और या किसी को न्यूट कलर्स बहुत पसंद है, या किसी को बहुत फ्रिक्वेंटली लिपस्टिक लगाने का वो तो ना टचअप करने की आदत होती है, तो आप उसको वो गिफ्ट कर सकते हैं। पूरा वो गिफ्ट सेट में पूरा बना हुआ आता है, और छोटी छोटी सी लिपस्टिक होती है मिनीजर साइज की, बड़ी अच्छी क्यूट सी होती है, तो वो मैंने मंगाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो वो बेसिकली सारे न्यूट के कलर है, जो भी एकदम लाइट न्यूट होता है ना, जैसे आप सपोज करिए जो मेरे ओरिजिनल लिप्स का कलर है, तो इस तरीके से ही इसी कलर में उसके सारे शेड हैं। और तो ये मेजर थी, एक मुझे मसाबा की आई थी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दो तीन है मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ रहने की एक बहुत लिपस्टिक एक सीरीज है जो बहुत फेमस है, जिसमें क्या होता है 90s के किड इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, वो एक वो पेंसिल आती थी ना एक के बाद एक लगा देते थे उस तरीके की, तो लिपस्टिक है इस तरीके की। इसमें ये बेसिकली सारे शेड है, ये न्यूट का शेड है, इसमें दो आते हैं, एक ऐसा आता है एक रेड का आता है, उसमें सारे जो पार्टी वेयर होते हैं ना बोल्ड कलर होते हैं उसके सारे शेड होते हैं, और एक न्यूट के सारे शेड होते हैं। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको इसको निकालना है इस तरीके से, आपको निकालना है ऐसे करके, और आपको नीचे इस तरीके से आपको नीचे इसको करना है, प्रेस करना है, और दूसरी लिपस्टिक बाहर आ जाएगी। तो ये ओवरऑल अच्छी है, लाइक अगर आप थोड़ा सा सामान कम कैरी करना चाहते हैं और आपको मल्टीपल लिपस्टिक लगाने की आदत है मेरी तरीके से, तो आप ये कैरी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक आई थी माई ग्लैम की, ये मैंने शेयर करी थी अपनी स्मिटन हॉल के अंदर, ये माई ग्लैम की लिपस्टिक थी, ये बहुत डार्क कलर है, मैंने आज तक इसको नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क कलर है, लाइक इतना डार्क मैं नहीं लगाती, ये तो एक्सट्रीम ही डार्क था,
ये वाला कलर है, तो ये ओवरऑल सारे कलर में ना कुछ ज्यादा ही डार्क था, तो मैंने आज तक इसको नहीं लगाया है। पता नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा डार्क कलर लगाना। नेक्स्ट जो मैं मसाबा की बता रही थी वो भी बाय चांस, ये एक्चुअली क्या होता है नायका पे जब आप प्राइम मेंबर बन जाते हो ना, तो आपका जो भी बर्थडे मंथ होता है ना उसमें अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर कर रहे हो तो आपको वो एज अ सरप्राइज गिफ्ट कोई चीज भेजते, तो लास्ट ईयर मेरे पास एक फेस वॉश आया था, लास्ट ईयर मुझे मसाबा की लिपस्टिक आई थी, ये वाली, ये रेड कलर की लिपस्टिक है, सेम रेड कलर मैं नहीं लगाती, पहले लगाती थी अब मैंने लगाना छोड़ दिया है। तो इसका कोड है कांड डील और ये कुछ इस तरीके की है, मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं बोल सकते, ये शायद ऑरेंज कलर है, रेड नहीं है, ये शायद ऑरेंज कलर है। हाँ, और जो रेड लिपस्टिक थी ना उसकी मनीष मल्होत्रा वाली माइग्लैम वाली, वो है एनवाई मी। और लास्ट है ये भी मुझे शायद फ्री आई थी किसी चीज के साथ, आई डोंट नो, शायद मैंने जो पॉपक्स वाली जो लिपस्टिक मंगाई थी ना वो उसके साथ में फ्री आई थी, ये भी रेड कलर है। और इसका कोड है, इसका भी कोड नहीं लिखा हुआ, एप्पल टीनी, हाँ इसका कोड है एप्पल टीनी इसका कोड है। और ये कुछ इस तरीके से दिखती है, मैं आप लोगों को ना पॉपअप वाली दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की क्यूट क्यूट सी लिपस्टिक के सेट आए थे, दो सेट मैंने मंगाए थे, एक मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया और एक ये था। तो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं ना इनको, तो ये देखिए, देखिए आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ये ऑलमोस्ट न्यूट कलर है, लाइक ये दोनों तो ऑलमोस्ट ही सेम है, ये थोड़ा सा लाइट कलर है, तो ये कुछ इस तरीके का है। तो ये था, ये क्यूट सी लिपस्टिक है, लाइक जो कॉलेज गर्ल्स होती है ना उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए मेरी तरीके से, उनके लिए थोड़ा सा मतलब कह सकते इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि बार बार टचअप करना और सारी चीजें, दैट टू विद अ बेबी विद अ टॉडलर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये आया था, तो ये ओवरऑल था मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन सेट। आप लोग मुझे बताइए इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली पसंद आया ना तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर कोई अभी लिपस्टिक की न्यूड कलर में बहुत सारी चीजें सर्च कर रहा है ना तो उसके साथ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। नीचे एक बेल आइकन है, आप उसको प्रेस करिए तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी मैं ब्लॉग्स डालूंगी अपने, तो और शॉर्ट्स के भी आ जाएंगे, मैं शॉर्ट्स थोड़ा ज्यादा डालती हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।